अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम वायर ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे कि वायर ब्लॉग जो है वो क्या चीज़ है, हम कैसे लगाते हैं, पूरा उस पर टेक्निक जो है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है और उसकी इक्विपमेंट सब कुछ आज हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या आता है और क्या क्या हमने करना है। अच्छा, तो वायर ब्लॉग जो है ये बहुत ईजी प्रोसीजर है, इसकी रिकवरी जो है वो भी रिपेड है, ऑनसेट जो है वो भी रिपेड है और इसमें मसल रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी भी उसमें मौजूद है। वायर ब्लॉक जो है उसको सिर्फ हम अपर लिम्स की तरह के लिए ही हम लिमिटेड है, मतलब इसको सिर्फ अपर लिम्स में ही हम लगा सकते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड में। लिमिटेशन जो है इसमें हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, मतलब थोड़े टाइम के लिए काम करता है, उसके बाद इसकी रिकवरी हो जाती है। इसमें जो है मैक्सिमम टाइम हम 90 मिनट तक मतलब ले सकते हैं, अगर कोई प्रोसीजर 90 मिनट्स में हो सकता है तो इसके लिए हम वायर ब्लॉक लगा सकते हैं। अगर उससे प्रोसीजर जो है उससे एक्सटेंड हो रहा है तो उसके लिए हम वायर ब्लॉक नहीं लगा सकते। अच्छा, इसमें टॉर्निके जो है उसका पेन जो स्टार्ट होता है उसमें 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब 30 मिनट्स तक इंसान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद उसकी बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो पेन जो है वो एग्जेजरेशन लेवल तक चला जाता है और पेशेंट जो है उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है ये एक रायनॉइड डिजीज़ है, हेमोफाइलस सिकल सेल एनीमिया है, क्रश इंजरी है, यंग चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे उसमें भी हम नहीं लगा सकते हैं, और रिलायबल टॉर्निके। अच्छा, इसमें हमें ऐसी टॉर्निके चाहिए जो कि फुल फंक्शनल हो, इसमें कोई मतलब फॉल्ट ना हो, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट आ जाए तो हमारा पूरा प्रोसीजर जो है वो टॉक्सिसिटी लेवल तक जा सकता है और पूरा ड्रग जो है हमारे सिस्टम में आ सकते हैं और अपनी टॉक्सिसिटी या अपनी साइड इफेक्ट जो है वो शो कर सकते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म इन्फेक्शन जो है वो इसका प्रॉपरली क्लियर नहीं है, मतलब किस मैकेनिज्म से काम करता है ये प्रॉपरली क्लियर नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया, इस्कीमिया, एस्पैक्सिया, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस सारे ये कंबाइन होके इसकी इसका इफेक्ट जो आता है इसकी वजह से हमारे ये ब्लॉक पूरा लग जाता है। इनिशियली इसमें एनाल्जेसिया जो है वो लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट जो है उसकी स्प्रेडनेस की वजह से कॉज हो जाता है। उसके बाद जो है एस्पेक्सिया बाय स्प्रेडिंग ऑफ लोकल एनेस्थीसिया फ्रॉम वेंस और सराउंडिंग एरियाज में, ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है वो अगर हमारे सराउंडिंग एरियाज में फैल जाते हैं उसकी वजह से ये पूरा ब्लॉक जो है हमारा काट हो जाता है। अच्छा, इसमें इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे। पहला जो है हमारा डबल टॉर्निके, मतलब ये पूरी डबल टॉर्निके होगा, एक डिस्टल वाला होगा, एक प्रॉक्सिमल होगा ब्लॉक का। दूसरा जो है हमें चाहिए होगा एक वेन, आईवी लाइन एक्सेस नॉन ऑपरेटिंग हैंड में, नॉन ऑपरेटिंग हैंड में इसलिए अगर हमारे पास मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह कहाँ हो जाए तो हम इस हैंड के जरिए इसको और मेडिकेशन ले सकते हैं। रेसिसिटेटिव इक्विपमेंट्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर लोकल टॉक्सिसिटी हो गई या फिर पेशेंट जो है शॉक में चला जाता है तो हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम पेशेंट को रेसिसिटेट कर सकते हैं। इस मार्क बैंडेज, हमारे पास ये बैंडेज ज़रूर होनी चाहिए, इसके जरिए हम क्या करते हैं स्क्वीज आउट करते हैं पूरे हैंड को ताकि हमारे पास यहाँ पे जो है ब्लड जो है पूरा स्क्वीज हो जाए और उसको हम फिर ब्लॉक कर सकें। हाँ, एक्सेंग्विनेशन, एग्जैक्टली। लोकल एनेस्थेटिक की चॉइस, इसमें हमारे पास दो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में यूज होते हैं, एक है लिग्नोकेन 0.5% और दूसरा है रोटिविकेन 0.5%। दोनों की डोजेज जो है वो 3 mg/kg के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो है हम एपिनेफ्रिन को नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, टेक्निक क्या है, मतलब कैसे हम इसको लगाएंगे? पहले जो है हम यहाँ पे एक डिस्टल मतलब प्रोसीजर एरिया से जितना दूर हो सके हमने एक आईवी लाइन लगाना है, वो कोई भी आईवी लाइन आप लगा सकते हैं, वेन को देख के, एज को देख के उसके मुताबिक आप आईवी लाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 22 gauge आईवी लाइन है, ये हम डिस्टल लगाएंगे, यहाँ पे हम फिलहाल लगाएंगे नहीं, हम जस्ट शो कर रहे हैं कि डिस्टल आप लगाएं, मतलब इस एरिया में प्रेफरेबल हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने आईवी लाइन लगा दिया, फिर आपके पास ये क्या डबल टॉर्निके होनी चाहिए, मतलब एक डिस्टल वाला और एक प्रॉक्सिमल वाला। इस मार्क बैंडेज ये होना चाहिए आपके पास। इसको लगाने के लिए क्या करना है, आपने हाथ को थोड़ा ऊपर ऐसे लेके जाना है और इस मार्क जो बैंडेज है इसको पूरा स्क्वीज आउट करके जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आपने ये प्रॉक्सिमल टॉर्निके जो है वो पहले इन्फ्लेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेक्ट करने के बाद आपने हाथ वापस नीचे रखना है और यहाँ पे जो है आपने लोकल एनेस्थेटिक जो आपने मतलब सेलेक्ट किया है उसको 3 mg/kg के हिसाब से आपने क्या करना है, इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है,
आई वी लाइन को हटा के यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है ताकि यहाँ से ब्लड वगैरह ना निकले और जहाँ जो आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया है वो भी यहाँ से ना निकले, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब सारा प्रोसीजर होने के बाद इसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। पहला जो है, पेशेंट जो है इसमें डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब ज़्यादा अवेक होता है, ज़्यादा टाइम के लिए हाथ ऐसे पड़ा रहता है और टॉनिक भी इंफ्लेट हुआ होता है तो डिस्कम्फर्टनेस फील होती है। दूसरी जो है रेपिड रिटर्न ऑफ द सेंसेशन, इसमें जो है जैसे ही हम टॉर्निके को रिलीज करते हैं तो सारा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो यहाँ पे पड़े होते हैं वो सिस्टमिक सिस्टम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वापस रेपिड रिकवरी हो जाती है और यहाँ पे जो पेन है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है और पेशेंट को ज़्यादा पेन होना स्टार्ट कर देता है। टॉक्सिक रिएक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक टू माउथ फंक्शन ऑफ टॉर्निके, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये टॉर्निके जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब आपने लगा दिया है लेकिन ठीक से आपने नहीं लगाया, तो क्या होगा यहाँ पे जो है ये जो है आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो पूरे सिस्टम में चला जाएगा और टॉक्सिसिटी काज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, आज के लिए ये था। स्टूडेंट, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, अगर हमने ये टॉर्निके लगाया है, ठीक है, और हम आईवी वो इंजेक्ट कर रहे हैं, आप 5 मिनट, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को जो है ना अभी ओवरडोज हो गया है या ये इक्विपमेंट की वजह से उसको सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी आ गई है, तो हम कैसे इसको जानेंगे? इसके लिए आपको मस्ट चाहिए होगा कि आपने पेशेंट को जो है मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया है कि नहीं। मॉनिटर के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको सारा वो मॉनिटर जो है इसकी इंडिकेशन देगा, हार्ट रेट एग्जैक्टली वाइटल आप देखेंगे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट जो है हाइपरटेंशन में जा रहा है, तो वो आपने देखना है। प्लस सिस्टमिक टॉक्सिसिटीज के हमारे पास जो इंडिकेशन आता है, टीकार्डिया में पेशेंट चल जाता है, हाइपरटेंशन में पेशेंट चल जाता है, वो आपने देखना है, उसके मुताबिक आपने डायग्नोस करना है कि पेशेंट जो है वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। हाँ, और उसमें जो है अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है थोड़ा टॉक्सिसिटी में जा रहा है तो आपके साथ इमरजेंसी ड्रग्स होने चाहिए, जैसे हमारे पास एट्रोपिन है, एपिनेफ्रिन है, साइनेफ्रिन है, और उसके साथ साथ लिपिड इमर्जन जो है वो हाँ एग्जैक्टली वो भी आपने अपने साथ रखना है। लिपिड इमर्जन जो है वो यूज़ करते हैं हमारे पास मेनली लोकल टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट्स के लिए। इसके अलावा ये सर, आप लोगों ने एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर ये कहा कि ये इसकी लिमिटेशन ये है कि इसको हम अपर लिम्ब के लिए यूज़ करते हैं, लोअर लिम्ब को क्यों टॉर्निके की कोई वो होती है या वहाँ पर एक सैंग्विनेशन डिफिकल्ट हो है इस वजह से हम इसको लिमिटेड रखते हैं या कोई और रीज़न हो? यहाँ पे हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है जिसके लिए हमने ड्रग्स को जो है वो ज़्यादा देना होता है। ड्रग्स अगर हम ज़्यादा देंगे तो हमारे पास वो ड्रग्स वहाँ पे अकुमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे पड़े रहेंगे, जैसे ही हम टॉर्निके को रिलीज करेंगे वो सिस्टमिक सिस्टम की तरफ आएंगे और उसके साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, और वहाँ पे अगर आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो वो मैक्सिमम जो है 2 आवर्स तक लेंगे और 2 आवर्स के लिए हमारे पास ये लिमिटेशन है, हम इसकी यूज नहीं कर सकते। थैंक यू सर।